बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल टीचर्स एडवेंचर। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड एमसीक्यूज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग गिवन बाय ब्रूनर। जेरम ब्रूनर वाज फ्रॉम यूएसए। ही वाज बॉर्न इन 1915 टू 2016। ब्रूनर के तीन चार कॉन्सेप्ट हैं जो इसके मेजर इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो आप याद रख लें। इसकी एक जो डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये तीनों चार जो भी हैं इसके कॉन्सेप्ट, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आप ज़रूर जोट डाउन कर दें, ताकि आपको एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपरेशन में ये हेल्प करें। इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग है। ये एक्चुअली ग्राउंडेड है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के, जिसमें वो ये कहता है कि जो लर्नर है वो खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से। थ्योरी ऑफ discovery learning emphasizes the active engagement of learners in constructing knowledge through exploration, experimentation and problem solving. इसके तीन चार स्टेप्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर इस वीडियो में। थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग को एक इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो होती है टीचिंग में, उसका एक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्किल्स इन्वॉल्व हैं, एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे रिलेटेड हैं इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन से। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के तीन चार कॉन्सेप्ट हैं और इनके की जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिव एंगेजमेंट होती है। ब्रूनर का ये मानना है कि जो लर्नर है ही शुड बी एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस रादर देन पैसिवली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। एक सीखने वाला जो बच्चा है, स्टूडेंट है, ही शुड बी इनकरेज टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद कॉन्सेप्ट, अलाउइंग देम टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो इसमें सबसे पहले एक्टिव एंगेजमेंट है कि बच्चे को एक्टिवली इंगेज किया जाए लर्निंग प्रोसेस में, वो अपनी खुद जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करे फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। नंबर सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक टीचर, एक गाइड जो फैसिलिटेटर का होता है इसमें रोल, वो एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने, और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें ये दो तीन जो स्किल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंपल एक थ्योरी है, उसके सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, इसमें इतना बड़ा कोई नहीं है। एक्सप्लोरेशन, लर्नर्स आर इनकरेज टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्ट विथ मटीरियल्स। Guided discovery, teacher guide and support the inquiry process through scaffolding. इसमें टीचर होता है, गाइड होता है, वो scaffolding का कॉन्सेप्ट जो हमने zona proximal development थ्योरी है उसमें ये वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। scaffolding का कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एक जो टीचर होता है, गाइड होता है, वो सपोर्ट करता है इस सारे लर्निंग प्रोसेस में स्केफोल्डिंग के ज़रिए, सपोर्ट टेम्पररी जो होती है वो उसके ज़रिए। इसके कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, इसकी जो थ्योरी है डिस्कवरी लर्निंग, वो हमने पहले भी कहा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ग्राउंडेड करती है, उससे रिलेटेड है, उसमें से ये ड्राइव की हुई है। ब्रूनर का दूसरा जो मेजर काम है वो स्पायरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट है। He proposed that topics and concepts should be redesigned at increasingly level of understanding over time. बच्चों की जो भी हम पढ़ाते हैं टॉपिक्स कॉन्सेप्ट, उनको हम उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उनकी लेवल इंक्रीज करते जाएँ, फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्राम कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट स्पायरल करिकुलम का जो है वो भी ब्रूनर ने दिया। इसकी जो मेजर और एक कंट्रीब्यूशन है ब्रूनर की, वो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है।
इसमें ब्रूनर ने बताया कि एक बच्चा किस तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है मेमोरी में। उसके तीन जो स्टेज हैं, तीन मोड्स हैं, एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, ये हम तीनों को डिस्कस करते हैं। एनेक्टिव जो मोड होता है उसमें बच्चे की एज जो है वो 0 to 1 ईयर्स होती है। उसमें जो एक बच्चा इन्फेंट होता है उसी एज का, इसमें बच्चा एक्शन बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोड और स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। नंबर सेकंड आइकॉनिक, इसमें इमेज और रियली जो चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए बच्चा इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है, स्टोर करता है। इसकी जो एज ड्यूरेशन है 1 to 6 ईयर है। एंड द लास्ट वन इज़ सिम्बॉलिक, इसमें वर्ड्स के ज़रिए, सिम्बल्स के ज़रिए बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको इनकोड करता है। इसकी एज जो है 7 to 8 वर्ड्स। तो ये ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी थी और उसके जो की कॉन्सेप्ट हैं 3-4 वो थे, और स्पाइरल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रूनर ने दिया हुआ था, तो उसका हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया। और जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैं 3 वो, तो इनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कीवर्ड हैं, वो आप ज़रूर नोट डाउन कर दें। इनमें अक्सर स्पाइरल करिकुलम का एमसीक्यूज काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, और इसके अलावा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो तीनों हैं स्टेज वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी आते रहे हैं पेपर में, वो भी आप ज़रूर जो डाउन करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।